ग्रैंड पाक उठाया। ग्रैंड पाक जी देखो ये क्या लिखोगे कुरान पाक पे। बीच रहते बस ये फर्क। वो देख तो यार मेरी तरफ से यार जल्दी जल्दी भागते हैं इधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाक नाबुदु वजाक नस्तईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज रोज़े क्या है 5 बजे छठा सातवां खालबा रोज़ है तो आप सबको रमज़ान का महीना मुबारक। और कमेंट में बताया करो यार आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। मुझे भी तो पता चला कि मेरी यूट्यूब फैमिली के हालात से गुजर गया। तो यार आज दिन है संडे का। आज मुझे आपको पता है काली से आज मेरी छुट्टी है। तो यार अभी मैं थोड़ी देर सो क्या था फजर की नमाज पढ़ के अभी मैं उठाऊँ तो आओ कहीं घूम फिरें बाइक निकाल तलावत कुरान पाक भी करनी मैंने शुरू की हुई है। दूसरा दोपहरा आज ख़त्म करना है ठीक है इसलिए आज जल्दी जल्दी जाते हैं जल्दी आएंगे। मोटर बह रही है आपने बाइक ला घूम फिर आए। देखें बाइक निकालने के लिए गाड़ी जितना गेट मैंने खोल दिया है तो पहुँचो अपने दादू के घर। इधर आज हमारी दावत है उतारी की चढ़ रहा। वो देख बच्चे खेल रहे हैं और ये देख मैं आपको एक अच्छी सी जगह पे जाके मिलता हूँ ठीक है। मैं बाइक चला रही हूँ ये देख मैं रोड पे आ गया हूँ ये देखे। तो मैं एक अच्छी सी जगह जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छी जगह है मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ ठीक है। अभी मैं ड्राइविंग कर देता हूँ अभी जो मैं हूँ ना मैं इधर आके रुका हूँ ठीक है क्योंकि यार ये मेरी फेवरेट जगह ये वाली ये बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। इधर मैं एक्सप्लोर करता हूँ छाऊँ भी है इधर मैं इंजॉय करता हूँ। और आजी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है यही धुन है तुझको रहूं सबसे आला वो जीनत निराली वो फैशन निराला धरा रह गया सब यूं ही मरने वाले जिया करते हैं क्या यूं ही मरने वाले जगा जी लगाने कि दुनिया नहीं है। पता है ना आप सल्लम ने बदवा दी थी कि हलाक हो वो शख्स जो रमज़ान के रोज़े पाए और उसमें अपनी बख्शिश न करवा सके। अल्लाह तेरा है एहसान रोज़े नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। यार मैं घर जाता हूँ घर यार बस थोड़ा सा घूमना था घूम लिया क्योंकि गर्मी भी बहुत है और रोज़ा भी लग रहा है और मैंने वीडियो जाके जो है एडिट भी करनी है। तो अगर यहाँ तक आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो और वो देखो कितने शरीफों की तरह खड़ा है। चलो आओ चले घर ही जा कर मिलता हूँ आपको। उधर पुलिस भी खड़ी है कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। वो पीछे पुलिस वालों ने मुझे आती है भाई रुको मैं रुका ही नहीं हूँ। वो देख तो यार मेरी तरफ ही यार जल्दी जल्दी भागते हैं इधर से। अभी यार मैं जा रहा था घर की तरफ मैंने एक बात सोची यार इधर राशन पर ग्राम दे रहे हैं लेकिन देखो वो पीछे आवाम कैसे दलील होकर खड़ी है और वो आ ही ले रहे हैं अभी तक ये रास्ते में ये यार मैंने कहा आपको आगाह कर दूँ। 100 पे भी पहुंच जाए ये इधर ही रहता है इधर 0 पे है और 100 पे आया हुआ है। चलो चलें तो गाय ये मेरा वो स्कूल है जिधर मैंने अपनी नर्सरी क्लास की थी। बहुत इसकी यार दुख भरी कहानी है अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा यार। तो गाय मैं पहुँच चुका मस्जिद अभी जोर को टाइम रहता है लेकिन ना मैंने आपको पहले कहा था कि मैं तिलावत करनी है तिलावत करता हूँ पहले।
यहाँ से टोपी उठाई और साड़ी पहनने का, आज मैं घर से टोपी पहन के आया हूँ। देखिए अभी मस्जिद खाली है क्योंकि अभी टाइम रहता है। तो कुरान पाक उठाता हूँ और तिलावत करता हूँ। अलमारी है, कुरान पाक कौन सा था, कौन सा था ये वाला, ये भट्टी पर गया, इस पर रख पढ़ना। चलिए अब कुरान पाक खोलते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ कुरान पाक पे, इस जनाबे आला गुजारिश है कि आप कौन सी अदी चाहते हैं कि आप कुरान पाक की तिलावत ज़रूर की जाए क्योंकि पढ़ना रह देता है। देखो कुरान पाक शुरू हो रहा है, उसके शुरू में दरख्वास्त लिखी हुई है। जोर की नमाज पढ़ने के बाद उतरी उस घर आ चुका हूँ जिधर आज हमारी अफ्तारी है माशाल्लाह। मैंने कहा नमाज चले जाते हैं, उधर बैठूंगा पढ़ाई करूंगा, कल पेपर भी है। और ये देखें वाइस वाइस आ रही हैं, तो आपको थोड़ी देर ठहर के मिलता हूँ। बड़ी देर बैठने के बाद मैथ समझने के बाद समझ मुझे कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने रट्टे मारे मैथ को। तो यार मैं एडवांस जा रहा हूँ जोर की नमाज असर की नमाज अदा करने, ठीक है, और अफ्तारी तैयार है हमारी। मैं टाइम पास करने के लिए बाहर ग्राउंड आ गया था, ये हमारे ग्राउंड रहते तो थोड़ा एंजॉय करने था। मैं जहाँ बैठ के नमाज असर का अदा करता हूँ, अभी टाइम होता है असर अजान का तो फिर अजान दूंगा, ठीक है, फिर अफ्तारी तैयार है, आधा घंटा रहता है घंटा। फिर सर भूख लगी है यार, टाइम भी होने वाला है, फिर आपको अफ्तारी। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर लिया और अभी मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। और तो इस ब्लॉग को इधर चैन करते हैं, इसके बाद आपको पता है तरावियाँ होंगी, फिर मैंने सोचा मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करते जा।